जिस तरह बिना पतझड़ के पेड़ों में नई पत्तों की बहार नहीं आती, उसी तरह बिना संघर्ष और कठिनाइयों के सफलता नहीं आती। तो हमें संघर्ष से डरना नहीं है और कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में। आज हम मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, पर्यटन का जो मुख्य आधार है वो है मध्य प्रदेश का सौंदर्य। मध्य प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य है। इसके साथ ही साथ में यह अपने पर्यटन के लिए संपूर्ण भारत में एक विशेष स्थान भी रखता है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं। यदि आप इन्हें एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे और सारी डिटेल अगर हम लेते चले तो हो सकता है हमें बहुत 10-15 दिन लग जाए केवल पर्यटन स्थल ही पढ़ने में। लेकिन हमारे पास चूंकि इतना टाइम नहीं है, इस कारण से हम शॉर्ट में पर्यटन स्थलों को पढ़ते चलेंगे और हम इन पर्यटन स्थलों को 4 भागों में बांटेंगे। इन 4 भागों में हम ऐतिहासिक स्थल के पर्यटन स्थल देखेंगे, उसके बाद धार्मिक स्थल के देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि प्राकृतिक रूप से सौंदर्यता रखते हैं, उन्हें जाकर हम देखेंगे। तो चलिए हमारी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, जैसे ही हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग है। पहला भाग है ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटक स्थल, जिनके बारे में हमने बात की कि राजा महाराजाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में क्या बनवाया गया और इसमें से क्या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थल। प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब है कौन सी झीलें हैं, कौन से झरने हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, वन्य प्राणी पर्यटन स्थल। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक महत्व में पर्यटन स्थल। धार्मिक महत्व की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से धर्म से संबंधित ये मंदिर हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे पर्यटन की डिटेल में। तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। राज्य पर्यटन विकास निगम बनाया जाता है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। इसी के साथ ही साथ में एक और चीज़ है जिसका नाम है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का क्या मतलब है? टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक। तो पर्यटक की सुविधा के लिए जो चीज़ बनाई जाए वो टूरिज्म बोर्ड होगा। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। तो 22 फरवरी 2017 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? देखिए, अब इको पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 2005 में और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसी के साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शिवपुरी को। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो 5 सितंबर 2012 को प्रदेश सरकार की पहली पर्यटन नीति लागू की गई थी। इसी के साथ में राज्य पर्यटन कैबिनेट का गठन 16 सितंबर 2016 को किया गया और जल पर्यटन नीति वर्ष 2017 में चालू की गई 28 फरवरी से। और जल पर्यटन नीति जो है वो चालू की गई थी खंडवा के हनुमंतिया टापू को लेके। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए। और ऐतिहासिक स्थल में हम सबसे छोटी चीज से शुरू कर रहे हैं जो है गुफाएं। गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली गुफा हमें देखने के लिए मिलती है वो है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं का संबंध हम पढ़ चुके हैं कि ये मध्य पाषाण से लेके नव पाषाण कालीन गुफाएं हैं। इनमें गुफा चित्रकला के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ में इसमें मानव के गुफा निवास के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। जिला रायसेन। रायसेन के किस क्षेत्र में ये गुफाएं स्थित है? रायसेन के अब्दुल्लागंज में ये गुफाएं हैं। और अबेदुल्लागंज जो है, देखिए इसे अब्दुल्लागंज भी बोलते हैं, अबेदुल्लागंज भी बोलते हैं। ये गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। इसके साथ में यहाँ से जो हमें गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं, जो चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है शैल चित्र। और ये शैल चित्र किस समय के हैं? तो ये हैं मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के।
इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इन शैलाश्रयों की खोज या फिर इन चित्रकला की खोज, इसकी खोज V.S. वाकड़कर के द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो V.S. वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई। वर्ष 2003 में इन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल करके रखा है। कैसे याद रखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा होगा। देखो, सबसे पहले भीम बैठका कहाँ पर स्थित है, तो ये है रायसेन जिले में, तहसील लगती है आबेदुल्लागंज। और इसके बाद ये किस राज्य में आता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, तो शैल चित्र प्राप्त हुए। किस समय से संबंधित है, तो ये है मध्य पाषाण काल से लेकिन नव पाषाण काल के शैल चित्र। इनकी खोज V.S. वाकड़कर के द्वारा की गई है। इसी के साथ में एक और चीज याद रखनी कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया, तो वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इसके साथ में एक बात और याद रखनी है कि ये जो स्थल है, ये महाभारतकालीन स्थल है। महाभारतकालीन भीम को आप जानते होंगे, तो भीम से इनका सीधा संबंध माना जाता है। यहाँ पे कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीम बैठका से प्राप्त चित्रों में हमें आखेट मतलब होता है शिकार करना, इसके अलावा तीरंदाजी, पशुपालन आदि के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, अगली गुफा की तरफ हम चलते हैं, तो है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की जब हम बात करते हैं, तो ये धार जिले में स्थित है, धार जिले में, तहसील लगती है कुक्षी तहसील। किस नदी के किनारे, तो ये है बाघिन नदी के किनारे, और बाघिन नदी को भी बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले ही। तो ये जो गुफाएं हैं किस सदी से संबंधित हैं, तो 5वीं से 7वीं सदी के मध्य की ये गुफाएं हैं। इन गुफाओं का संबंध किस काल से है, तो ये गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए ये जो गुफाएं हैं, जब पहले बनाई गई थी तो ये 9 गुफाएं थी, वर्तमान में इनमें से केवल 5 गुफाएं बची हुई हैं। तो पहले जो थी तब ये 9 गुफाएं थी, और वर्तमान में अभी जो बची हैं वो 5 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खोज किसने की, तो इनकी खोज डेंगर फील्ड के द्वारा की गई है। तो हमारा डेंगर फील्ड, इन गुफाओं में आपको एक पेंटिंग मिलती है जिसको कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। और फ्रेस्को मुगल पेंटिंग जो यहाँ मिलती है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस मुगल पेंटिंग है। उदयगिरी की गुफाएं, देखिए उदयगिरी की जब हम गुफाओं की बात करते हैं, तो उदयगिरी की गुफाएं जो है विदिशा जिले में स्थित है। कुल यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, जिन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से और जैन धर्म से है। देखिए इसमें से ना जो 2 गुफाएं हैं, जिनका नाम है गुफा नंबर 1 और जो दूसरी है गुफा नंबर 20, तो गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 का सीधा संबंध जैन धर्म से है, बाकी सारी जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म से इनका संबंध है। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और बाकी सारी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें जो गुफा नंबर 5 है, उसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार का वर्णन भी किया गया है। ये जो छोटी छोटी गुफाएं आपको दिखाई दे रही हैं, शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आती हैं। तो जिला लगता है हमारा खंडवा, और खंडवा को ही मंधाता के नाम से जाना जाता था, तो मंधाता में स्थित हैं ये गुफाएं। और यहीं पर हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मिलता है। और जो शंकराचार्य जी हैं ना, उनका सीधा संबंध हिंदू धर्म से था, आपको ये बात भी याद रखनी है। अगली गुफा की तरफ चलते हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये गुफाएं पाटिनी गांव रायसेन में स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध कहीं ना कहीं, इनकी समानता जो है वो भीम बैठका की गुफाओं से दिखाई देती है। और ये जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो मृगेंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। कितनी गुफाएं, देखिए हमने देखा पहले भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, रायसेन में है। उसके बाद कहाँ पर स्थित है, तो आबेदुल्लागंज में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है, तो वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के संबंधित है। उसके बाद हमने दूसरी देखी जो थी शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर हमने एक और गुफा देखी थी जिसका नाम था बाघ की गुफाएं, जो कि हमने देखी कि बाघ की गुफाएं जो है वो गुप्त काल से
संबंधित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर हमने देखी उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं जो है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और अब देख रहे हैं हम मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अभी बौद्ध धर्म की बात नहीं आई है, जो बाघ की गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ये बात भी आपको याद रखना है। भ्रंथहरि की गुफाएं, राजा भ्रंथहरि की जो गुफाएं हैं इन गुफाओं का निर्माण परमार वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पहले किसकी याद में, तो राजा भ्रंथहरि की ही याद में इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। और राजा भ्रंथहरि के गीत आज भी उज्जैन और मालवा वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, तो ये उज्जैन जिले में स्थित हैं। इसका निर्माण परमार वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं सबसे पहले किस जिले के अंतर्गत आती हैं, तो ये आती है सिंगरौली जिले के अंतर्गत। सिंगरौली, अब सिंगरौली कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होगा कि सतना, सीवनी और सीधी वाला जो क्षेत्र है वहां पर सिंगरौली स्थित है। इसके साथ ही साथ में सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पूर्वी जिला है। तो हमने समझ लिया कि सिंगरौली की स्थिति कहाँ है। तो सिंगरौली की जो ये जो गुफाएं हैं जिन्हें मारा की गुफाएं कहा जाता है, सिंगरौली में स्थित कैमूर की पहाड़ियों को काट कर इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं सदी के मध्य में कराया गया था। इन गुफाओं का संबंध रामायण काल से है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने मंदोदरी के साथ में गंधर्व विवाह रचाया था इन्हीं गुफाओं के भीतर में, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये गुफाएं इस कारण से प्रमुख हो जाती हैं, मारा की गुफाएं। फिर आते हैं पचमढ़ी की गुफाएं। पचमढ़ी की गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती है, सबसे पहली चीज तो ये आती है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। देखिए हम छोटे छोटे एक एक छोटे छोटे बारीक बारीक पर्यटन स्थलों को भी लेके चल रहे हैं, जिससे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उस चीज को छोड़ के मत आइए कम से कम। तो सबसे पहले देख रहे हैं पचमढ़ी की गुफाएं, ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती हैं। कौन सा क्षेत्र लगता है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भीतर आती हैं। ये गुफाएं जो है ये पांडव कालीन गुफाएं हैं, पांडव से संबंधित हैं और रामायण काल से भी संबंध है इनका। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपने कुछ समय का वनवास भी बिताया था। फिर बात करेंगे बिलौआ की गुफाएं। बिलौआ की गुफाएं जो है ये 11वीं से 12वीं सदी के अंतर्गत की गुफाएं हैं। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के अंतर्गत आती हैं, तो जिला लगता है ग्वालियर। आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये वही गुफाएं हैं जिनसे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य और मानव के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और ये चित्रकारी हमें आदमगढ़ की गुफाओं से प्राप्त होती है। और ये वही गुफाएं हैं जहां पर कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। किस जिले के अंतर्गत आती हैं, तो ये गुफाएं जो हैं ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती हैं। किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ पे गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। पहले तो पशुपालन के साक्ष्य मिल गए और फिर गर्त आवास के। नेक्स्ट हम देखते हैं धमनार की गुफाएं। धमनार की गुफाएं जो है ये आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है ये अब गुफाएं नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गुफा के छोटे छोटे अवशेष बचे हुए हैं जिनको संरक्षित करके रखा हुआ है। तो धमनार की जो गुफाएं हैं इन्हें चंद्रगिरी महाविहार के नाम से जाना जाता है। गिरी का मतलब पर्वत भी होता है। ये जो गुफाएं हैं ये किस धर्म संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। इसके साथ में ये गुफाएं किस जिले में आती हैं, तो ये आती हैं सिंगरौली जिले के अंतर्गत, और इनकी खोज जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे एक बाबा की मजार भी स्थित है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो क्या याद रखना है, चंद्रगिरी महाविहार इसका अन्य नाम है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिंगरौली जिले में आती है, जेम्स टॉड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऐतिहासिक दुर्ग, अब हम पहले देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं थी, अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐतिहासिक दुर्ग थे। तो सबसे पहला जो दुर्ग है वो है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला अहीर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिस राजा का नाम था आशा राजा। तो आशा राजा जो कि अहीर राजा थे उनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले को
दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ में इसे दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है। अकबर के समय में यह अकबर का अंतिम विजय अभियान हुआ जो कि 1601 का था, असीरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं जब हम तोमर वंश पढ़ रहे थे उस समय भी। तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। इस किले में तोमर वंश भी रहा है और राजा सूरज पाल वाला भी पूरा वंश इस किले में रहा है। यह किला रत्नजड़ित किला माना जाता था। इसमें मान मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया और इसके नीचे गुजरी महल का निर्माण भी राजा मानसिंह तोमर ने ही करवाया। ग्वालियर महल की जब हम बात करते हैं तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर और किलों के रत्न में लगा मोती भी कहा जाता है, या इसे हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है। जो ग्वालियर का दुर्ग है या ग्वालियर का किला है, ये किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो ये ग्वालियर की गोपांचल पहाड़ी पर बसा है, जिसके नाम से ही ग्वालियर का नाम ग्वालियर रखा गया है। तो गोपांचल पहाड़ी पर बसा हुआ ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न और भारत के किलों का मोती भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले की जब हम एक और बात करते हैं तो इसी किले के अंदर एक मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, जो है तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर किले के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं, शाही किला। अब ये शाही किला कहां पर स्थित है, सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो शाही किला है, यह काले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और इस किले का निर्माण फारूखी राजवंश ने करवाया था और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किला माना जाता है। और ये जो किला है, ये किला काले पत्थरों से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, अटेर का किला। अटेर का किला जो है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि यह किला किस स्थान पर स्थित है? तो ये है भिंड जिले में स्थित किला। और भिंड जिले में स्थित है तो नदी कौन सी होगी? तो नदी होगी चंबल नदी। तो चंबल नदी के किनारे भिंड जिले में स्थित है अटेर का किला। इसका प्राचीन नाम है देवगिरी दुर्ग और इसे वर्ष 1644 में भदौरिया राजा बदन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि यहां से जो है देवगिरी की तरफ जाया जाता था और इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गुजरी महल और मान महल। गुजरी महल और मान महल के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ये महल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे अपनी रानी गुजरी रानी के लिए। इन महलों में, गुजरी महल में तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक गांव है जिसका नाम है राई गांव, और राई गांव से उस समय यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी और पाइपलाइन के थ्रू क्या कर रहे थे, पानी को यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था, राई नदी के पानी को। मांडू की जब हम बात करते हैं तो मांडू अपने अंदर एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी को लिखे हुए है। इसके साथ ही साथ में मांडू ने कई राजवंशों को अपने भीतर से गुजरते हुए देखा है। जब भी हम मांडू के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं बाज बहादुर के बारे में, महलों के बारे में, सिटी ऑफ जॉय के बारे में और एक अनकहित प्रेम कथा के बारे में। जब हम प्रेम कहानी की बात करते हैं तो मांडू इतना फेमस क्यों हुआ है? मांडू अपनी प्रेम कहानी के लिए फेमस हुआ है। अब ये प्रेम कहानी थी किसकी? कौन था राजा, कौन थी रानी और क्या हुआ यहाँ पे? तो मांडू जो है वो धार जिले के अंतर्गत का क्षेत्र है। आपको छोटी सी कहानी सुननी, आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी ये कहानी। मांडू धार जिले का एक क्षेत्र है। मालवा का अंतिम मुस्लिम शासक जो यहाँ पे बाज बहादुर था, बाज बहादुर यहाँ पे शासन किया करता था। बाज बहादुर का दूसरा नाम मियाँ बयाजिद्दीन भी था और बाज बहादुर जो है यह बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। एक दिन बाज बहादुर जंगल की ओर जा रहे थे और उन्हें वहाँ पर जंगल में रियाज करते हुए एक बहुत ही रूपवान कन्या दिखाई दी और उनका नाम रूपमती था। और जैसे ही बाज बहादुर ने उन्हें देखा तो बाज बहादुर उनके प्रेम में पड़ गए और अपना मन हार गए और रूपमती को उन्होंने वहीं पे विवाह का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को देखते हुए रूपमती ने उनसे कुछ शर्तें रखी, जैसे कि हर हिंदू रानी रखती है। तो रूपमती की शर्तें ये थी कि रूपमती बिना नर्मदा नदी के जल के स्नान नहीं करती और ना ही भोजन करती है, और दिन में प्रतिदिन उनको नर्मदा नदी के दर्शन होने चाहिए, नर्मदा माता के दर्शन होने चाहिए। इसके साथ
साथ में उन्होंने ये कहा कि वो कभी भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगी, क्योंकि बाज बहादुर मुस्लिम शासक थे, वहीं जो रूपमती थी वो हिंदू थी। तो रूपमती ने जब ये सारी शर्तें रखी तो बाज बहादुर ने अपने प्रेम के कारण उन सारी शर्तों को स्वीकार किया। ये बाज बहादुर की फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वो सुखमय अपना जीवन जी रहे थे। इसके बाद में बाज बहादुर की कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और रानी रूपमती की चर्चा पूरे विश्व में होने लगती है, पूरे भारतवर्ष में, और लोग रानी रूपमती को देखने आने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि सुर और सौंदर्य का इतना सुंदर मिलाप ईश्वर ने आज तक कभी नहीं बनाया, इतनी सुंदर थी रानी रूपमती। तो रानी रूपमती जितनी सुंदर थी उतने ही गुणवान भी थी और उनके गुणों की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही थी। और इसी समय एक क्रूर दिल्ली पे बैठा हुआ था जिसका नाम था अकबर। तो अकबर को जैसे ही खबर मिलती कि इतनी सुंदर, इतनी सौंदर्यवान और साथ ही साथ में इतनी कला की धनी रानी जो है वो बाज बहादुर के दरबार में रहती है, तो अकबर ने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। उसमें अकबर को, उसमें बाज बहादुर को उसने कहा कि आप अपनी रानी को दिल्ली भिजवा दीजिए। और बाज बहादुर से जैसे ही ये पत्र मिला और बाज बहादुर ने जब इस पत्र को पढ़ा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने अकबर को वापस पत्र लिखा कि यदि आपको इतना शौक है तो आप अपनी बीवी को मेरे पास भेज दीजिए। इतना सुन के अकबर आग बबूला हो गया और अकबर ने युद्ध का पैगाम निकाल दिया। अब बाज बहादुर मालवा के छोटे से क्षेत्र का शासक, वहीं अकबर उस समय पूरी दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, तो उसकी सेना और इसकी सेना में आप अंतर समझ सकते हैं। और इसके बाद भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व आदम खान ने किया। देखिए अकबर है, बहुत कम युद्धों में अकबर खुद गया है, इसमें आधे से ज्यादा युद्धों में अकबर ने अपने सेनापतियों को भेजा। जैसे कि जब रानी दुर्गावती के साथ अकबर का युद्ध हुआ तो उसने आदम खां की जगह किसे भेजा, उसने आसफ खां को भेजा। वहीं बाज बहादुर के साथ युद्ध में उसने आदम खां को भेजा। और जब महाराणा के साथ युद्ध होता है तो महाराणा के साथ वो युद्ध करने भेजता है मानसिंह को। तो इस प्रकार से अकबर की कायरता का भी पता लगाया जा सकता है। तो जब हम देखते हैं कि अकबर ने युद्ध करने के लिए यहाँ पे आदम खां को भेजा और आदम खां के सामने छोटे से क्षेत्र का शासक कैसे टिक पाता, तो बाज बहादुर यहाँ पर हार जाते हैं। और उस युद्ध में जैसे ही बाज बहादुर हारते हैं और उनकी हार की खबर रानी रूपमती तक पहुँचती है, रानी रूपमती जहर खा लेती है और अपनी कटार से स्वयं को मार लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। और जब रानी रूपमती की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अकबर को पता चलता है कि बाज बहादुर को बंदी बना लिया गया है और बाज बहादुर को दिल्ली लेके आया जा रहा है। तो अकबर शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और बाज बहादुर को भी छोड़ देते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई, देखिए एक प्रेमी तो पहले ही खत्म हो गया, अब बचा जो है वो कैसे जिएगा, तो वही करते हैं। तो बाज बहादुर जाते हैं रानी रूपमती की मज़ार पर और मज़ार पर कहा जाता है कि वो पागल हो जाते हैं और सर पटक पटक कर अपनी जान दे देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की समाधि फिर अकबर स्वयं सारंगपुर में बनाता है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधि अकबर के द्वारा निर्मित की जाती है। आज भी ये पूरी कहानी हमें मांडू के क्षेत्र में वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा सुनाई जाती है कि मांडू में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये जो मांडू है जो कि प्रेम की इतनी बड़ी कहानी का गवाह है, तो यहाँ पर क्या स्थित है, इसे महलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा महल बनाए गए थे। MPPSC इतने सारे क्वेश्चन मांडू से पूछता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको जो भी उटपटांग महल लग रहा है, आपने कहीं नहीं पढ़ा, आप उसको मांडू लगा दीजिए, लगभग 80-70% ये हो सकता है कि आपका आंसर सही, क्योंकि मांडू में है ही इतने सारे महल। देखिए ये है आदम खान की फोटो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये आदम खान है। अकबर ने आदम खान को सजा दी थी और उसे ऊपर से दो बार नीचे गिरवाया था। और ये रानी रूपमती ने अपनी आत्महत्या कर ली। फिर बात करते हैं सबसे पहला महल जो मांडू में स्थित है, उसका नाम है अशर्फी महल। अशर्फी महल रानियों के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे रानी क्या करती थी, निवास करती थी और खेलकूद करती थी। इसके अलावा एक और महल है जिसे कहा जाता है बाज बहादुर का महल। बाज बहादुर का महल राजा बाज बहादुर के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा इस महल में रानी रूपमती और बाज बहादुर रहा करते थे। रानी रूपमती के लिए एक अलग से दुर्ग भी बना हुआ है जिसका नाम है रानी रूपमती का महल। देखिए मांडू में ना कुल मिलाकर बहुत सारे दरवाजे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख दरवाजा है उसका नाम है दिल्ली दरवाजा। ऐसे तो मांडू बहुत ज्यादा बड़ा है और हम जब बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े महलों का क्षेत्र है, तो यहाँ पे दरवाजे भी बहुत सारे होंगे। देखिए ये कैसा स्थल है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे कोई महल अगर हम देखने जाते हैं, तो ये महल का एंट्रेंस होता है और ये महल ऐसे फैला होता है,
ठीक, तो ये एक ही दरवाजा महल का हुआ, इसके अंदर हो सकता है छोटे बड़े एक दो दरवाजे हमें और देखने के लिए मिले। लेकिन जब हम यहाँ पे मांडू की बात करते हैं कि मांडू किस तरह का है, तो मांडू कुछ ऐसे आकार में आपको दिखाई देता है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जगह पे एंट्रेंस बने हुए हैं, और इन एंट्रेंस में जब ये आगे बढ़ता है तो आगे जाने के बाद और भी अलग अलग दरवाजे खुलते जाते हैं। तो ये जो अलग अलग दरवाजे खुलते हैं, इन दरवाजों में सबसे महत्वपूर्ण जो दरवाजा है उसे कहा जाता है दिल्ली दरवाजा। तो ये दिल्ली दरवाजे की फोटो लगी हुई है। फिर है हिंडोला महल। हिंडोला महल यह वह महल है जहाँ पर रानियाँ झूला झूला करती थी। तो ये रानियों के झूला झूलने वाला क्षेत्र है, हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंडोला का एक मतलब भी झूला होता है। आपको पता होगा हिंडोला का एक अर्थ भी झूला ही होता है। होशंग शाह का मकबरा। अब ये होशंग शाह कौन है? देखिए, मालवा का जो संस्थापक रहा दिलावर खां, दिलावर खां के बेटे का नाम था होशंग शाह। होशंग शाह के द्वारा ही उसके ही नाम पर होशंगाबाद का नाम रखा गया है। इसके अलावा ये जो शासक है, इसका जो मकबरा, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। ये मकबरा भारत में संगमरमर से बनी पहली इमारत है, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे अल्प खां के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। हम एक एक छोटे छोटे महल और मकबरे आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कम से कम आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज हो कि आपने इसको कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। जहाज महल। मांडू में स्थित ये महल बहुत ज्यादा प्रमुख है। आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके एक तरफ में कपूर सागर झील है, वहीं इसके जो दूसरी तरफ है, इस साइड वाला जो एरिया है, इस साइड में हमें वाकपति मुंज के द्वारा बनाया गया मुंज सागर दिखाई देता है। तो ये जो जहाज महल है ना, ये महल क्योंकि दोनों तरफ में झील हो गई, ये महल बीच में है, इस साइड भी झील, इस साइड भी झील, तो ऐसा लगता है कि जहाज की तरह तैर रहा है ये महल, इस कारण से इसका नाम जहाज महल रखा गया है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर महल है, और इसके साथ में यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, और ये बॉलीवुड का तो फेवरेट स्थान है शूटिंग करने के लिए। रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती के महल की बात करें तो इसका निर्माण बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था, जब रानी रूपमती ने उन्हें विवाह के लिए हाँ किया था उस समय। तो इसमें क्या किया गया है, बाज बहादुर के द्वारा इस महल का निर्माण ऐसे स्थल पर किया गया है जहां से नर्मदा की चोटी दिखाई देती है। नर्मदा क्या है, एक पतली सी धार के आकार पर यहां से बहती हुई नजर आती है। इसके अलावा इसी महल के अंतर्गत एक कुंड बनवाया गया, जिस कुंड का नाम है रेवा कुंड, और इस कुंड में मां नर्मदा का पानी रहा करता था, जिस कुंड से रानी रूपमती स्नान वगैरह किया करती थी। तो बाज बहादुर ने नर्मदा नदी का मार्ग परिवर्तित करके छोटा सा जो नर्मदा नदी का हिस्सा था वो निकाल के लाए थे, किस लिए, केवल रानी रूपमती के नर्मदा दर्शन के लिए। मांडू का किला। मांडू का किला भी बहुत ज्यादा फेमस है, मांडू में स्थित है रेवा कुंड। देखिए, रेवा कुंड की जिसकी हमने बात की वो ये है, रेवा कुंड रानी रूपमती के महल के अंदर स्थित है और बहुत ही ज्यादा सुंदर स्थल है। अभी इतना सुंदर है तो उस समय में सोच लीजिए कितना सुंदर रहा होगा। मैप ऑफ मांडू फोर्ट। अब मांडू फोर्ट के अंदर क्या क्या है, अगर आप एक तरफ से भी पढ़ने जाएंगे तो आपको कम से कम 48 से 49 चीजें मिलेंगी, मतलब इतने सारे महल, इतने सारे स्थल यहाँ पे स्थित है। आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। जामी मस्जिद। जामी मस्जिद भी मांडू में ही स्थित है, मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। ये जामा मस्जिद नहीं है बल्कि जामी मस्जिद है, याद रखना है। तवेली महल यहाँ पर स्थित है। तवेली महल में क्या होता था, रानियां रहा करती थी यहाँ पे, और रानियों की दासियां भी रहा करती थी। कपूर तालाब। कपूर तालाब वही तालाब है जो कि जहाज महल के एक तरफ में दिखाई देता है हमें, ये कपूर तालाब है और यहां से जहाज महल लग जाता है। चंपा बावड़ी। देखिए, चंपा बावड़ी जो है ये मांडू में बनाई गई एक बावड़ी है, और इस बावड़ी में बहुत सारी सीढ़ियां बनाई गई थी, और इसमें से सीढ़ियों से नीचे उतरकर यहां पर नीचे जाकर रानियां स्नान किया करती थी और जल लाया करती थी। हमाम की जब हम बात करते हैं तो हमाम क्या होता है, देखिए पहले के क्षेत्र में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रहने के लिए एक अलग स्थान बनाया जाता था और उसे ही हमाम कहा जाता था। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे दीवार पे ऊपर जो हम देखते हैं रोशनदान बने होते थे, जिससे रोशनी अंदर की तरफ में आ सके, यही क्षेत्र हमाम कहलाता था। जल महल, ये भी मांडू में ही स्थित है, धार जिले के अंतर्गत। नीलकंठ महादेव मंदिर भी मांडू में ही स्थित है, और यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है।
होशंग शाह का मकबरा ये हम पढ़ चुके हैं अभी। शौकत महल, यह जो महल है यह भोपाल जिले में स्थित है और भोपाल जिले के मुख्य शहर के अंदर ये महल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा बात करते हैं धार के किले की, तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक MBT के द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था, क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से होते हुए देवगिरी जा रहा था तो रुकने के लिए उसने इस किले का निर्माण करवाया। धार के किले की ही बात करते हैं तो इस किले के अंदर हमें दो चीज दिखाई देती है, पहला है कालिका माता का मंदिर और दूसरा है खरबूजा महल या फिर खरबूजा गुम्मद के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहीं पर स्थित है। इसके अलावा धार के किले के पास में ही बिल्किश बेगम का मकबरा भी हमें दिखाई देता है। इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन की आधी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अब बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर आज ही हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। कि ऐसा भी नहीं पढ़ना कि बिल्कुल पढ़ते जाओ आगे की सारी चीजें अलग हो जाए दिमाग से, एकदम से आराम से बैठ के सिर्फ रिवीजन कीजिए। जितनी चीजें समझ में आ रही है उतनी ही पढ़िए, नया कुछ मत पढ़िए, क्वेश्चन आंसर लगाइए बस और इस पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताएं।